top 10 private bee schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. मेरे पिताजी ने मुझे एक नसीहत की थी बचपन में कि बेटा दिन में कोई एक ऐसा काम करो जिसमें तुम्हारा कोई स्वार्थ नहीं है, तुम्हारी कोई गर्ज नहीं है। ये बात मैंने उनकी गिरा में बांध दी है। एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूं, कहां तक कामयाब हुआ हूं ये नहीं कह सकता, कोशिश कर रहा हूं। उत्तरांचल जो है हमारे मुल्क का एक हिस्सा है। सबसे पहले हम हिंदुस्तानी हैं। जो एक आसमानी लहर वहां पर टूटा, मुल्क के कोने कोने से राहत सामग्री पहुंची है और इससे पहले भी उत्तरांचल वासियों के कई कार्यक्रमों में मैंने यहां पर शिरकत की है। तो मेरा ये मानना है कि हमारा जो देश है वो महज एक देश नहीं है बल्कि हमारा परिवार है। पॉलिटिकल एम्बिशंस लेकर नहीं आया हूं, कोई महत्वाकांक्षा लेकर नहीं आया हूं राजनीतिक। मैं यहां एक भारतीय नागरिक की हैसियत से आया हूं और यही वजह है कि आज मेरी आने की नियत थी। नियत जो होती है उसमें बरकत होती है और बरकत में हरकत होती है, तो मेरी आने की नियत थी। और हमेशा जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि इनके कार्यक्रमों में मैं हमेशा आया हूं। बड़े भोले भाले सीधे सादे लोग होते हैं, बहुत मोहब्बती होते हैं उत्तरांचल वाले। कई बार मैं वहां शूटिंग पर जा भी चुका हूं। बड़े सीधे भोले, आज के जमाने में इतना सीधा इतना भोला होना अपने आप में एक आश्चर्यजनक बात है। मैं हाजिर हूं तन मन धन से, रजा मुराद फिल्मी कलाकार की हैसियत से नहीं बल्कि एक सच्चे हिंदुस्तान की हैसियत से, सच्चे हिंदुस्तानी की हैसियत से। जब भी मेरी जरूरत पड़े मैं आता हूं। सर सामने भैया पीछे मोबाइल वाला पीछे। भैया हाथ तोड़ डालो यार, उत्तराखंड की महिलाओं को देखा थोड़ा सा हाथ ऊपर कर लो यार। बजाओ आप लोग।